हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। जो लोग अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, वो अभी भी एडमिशन की डेट आने का वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग तो इस कंफ्यूजन में भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट आ गई हो और उन्हें पता नहीं हो। तो यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अभी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की डेट जारी नहीं की गई है, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली ने एक पत्र जारी किया है जिसमें ये सारी जानकारी है। तो चलिए आइए देखते हैं उस पत्र में क्या है, जिससे कि ये क्लियर हो कि ये डेट कब आएगी एडमिशन की और हमें कब इस डेट पर सचेत रहने की ज़रूरत है, जिससे हम उस डेट में बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकें और बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो आइए देखते हैं उस लेटर को। ये पत्र केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कल यानी 3 मार्च 2020 को जारी किया गया। इस पत्र में लिखा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर बहुत सारी क्वेरीज रिसीव कर रहा है एडमिशन शेड्यूल के बारे में, जो कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में होने हैं। इस संदर्भ में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि एडमिशन गाइडलाइन में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इस कारण ये चेंजेस या मॉडिफिकेशन होने के बाद एडमिशन प्रोसेस होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्दी ही नई गाइडलाइन और डिटेल्स इशू करेगा। सभी प्रिंसिपल्स को ये लेटर भेजा गया है इसी आदेश के साथ कि नेक्स्ट ऑर्डर आने तक वेट करें। अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो नई गाइडलाइन आने तक आपको वेट करना है। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली द्वारा नया पत्र एडमिशन के संबंध में जारी होगा, तो हम उसको आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, जिससे आप समय पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकें। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय बाय।